हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे माउंट्स को, और इस तरह से सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइन्स को और पूरे हैंड का एनालिसिस कम्प्लीट करेंगे। तो मैं साथ साथ ड्रॉ करता जा रहा हूँ ताकि आपको सारी लाइन्स समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं काफ़ी सीधी नज़र आ रही हैं और काफ़ी सीधी खड़ी रेखाएं भी फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह से बन रही हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर इनकी रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है फिंगर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हैं और स्ट्रेट हैं फिंगर्स, तो एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर भरपूर रहेगा। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में तर्जनी इनकी ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है, तो इनके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ रहेंगी बृहस्पति की, जिसमें ख़ास क्वालिटीज़ आ जाती है, जैसे लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो गई या धार्मिक गुण हो गए, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी और लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी इसके वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपोलो फिंगर है यह भी काफ़ी अच्छी लंबाई में है, तो इसके साथ साथ बृहस्पति की क्वालिटीज़ के साथ साथ सूर्य की क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर होंगी। और आर्ट के साथ एक तरह से प्रेम होता है जिनका, वो झुकाव होता है आर्ट की तरफ, वो भी इनका इनकी लाइफ में रहने वाला है। अब चेक करते हैं मर्करी फिंगर को, तो मर्करी फिंगर मुझे थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर मर्करी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक भी नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ी शाइनेस इनकी लाइफ में रहने वाली है। और इसी तरह से अगर हम चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है। तो इसमें इजीली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डाउन सेट फिंगर जो है वो मर्करी की है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत रह सकती है और शाइनेस की प्रॉब्लम इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर हो सकती है। चलिए आगे चेक करते हैं इनके माउंट्स, इनके बारे में क्या बताते हैं और लाइन्स क्या क्या कहती है। थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स को। तो माउंट्स को अगर चेक किया जाए तो मर्करी माउंट जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लो सेट होने के बावजूद भी कुछ सीधी लाइनें मर्करी माउंट पे बन रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी इनकी किस्मत रहने वाली है। इस फील्ड में भी, बिजनेस में भी ये जा सकते हैं, और दो लाइनें सीधी यहाँ पर फोकस लाइनें बन रही हैं, तो काफ़ी अच्छा यह माउंट पॉजिटिव हो जाता है इसकी वजह से। और अगर बात की जाए सूर्य की, तो सूर्य और शनि में सीधा जो गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर नहीं बन पाया है। कुछ इस तरह की गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है, अगर यह यहाँ तक पूरा हो जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा सा कम होने की वजह से इसके जो प्रभाव है थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव होने के साथ साथ मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम रह सकती है। और जिनके हाथ में ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बनता है इनको रिकवर करने में भी काफ़ी समय लगता है, रिकवर इन सेंस जो अगर कोई ऐसी बात हो जाए लाइफ में, जैसे दिल पर लगने वाली की चोट हो, तो उसको हम कहते हैं कि गर्डल ऑफ वीनस वाले लोगों को उस चीज़ को कवर करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी इसकी वजह से व्यक्ति की हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा गर्डल ऑफ वीनस इनके हाथ में बन रहा है, तो इनको अपने हर फैसले को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा हर काम, कोई भी लव अफेयर वगैरह के ऐसी प्रॉब्लम में अगर यह फंसते हैं तो इनको उसकी वजह से काफ़ी गहरी चोट लग सकती है, और इसलिए इनको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। और जो लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं इनके माउंट्स के ऊपर, तो सूर्य का माउंट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक लाइन फोर्क बना रही है और काफ़ी ऊपर तक चल रही है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेम मिल सकता है। और इसी तरह से सैटर्न है, एवरेज माउंट दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छी सैटर्न की लाइन ऊपर तक पहुंच रही है, तो सैटर्न भी काफ़ी अच्छे प्रभाव इनको देने वाला है। और अगर देखा जाए इनका जो माउंट है बृहस्पति का, काफ़ी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और इस पर प्रोग्रेस की लाइन ऊपर तक पहुंच रही है, तो प्रोग्रेस की लाइन यहाँ पहुंचना मींस काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ से चलकर लाइन पहुंच रही है, जो लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ उठती हुई, और प्रोग्रेस की लाइन की वजह से व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस करता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसकी वजह से व्यक्ति को मिलते हैं। और यहाँ पर एक लाइन जिसको हम एक तरह से दीक्षा रेखा भी कह देते हैं, सिंपथी की लाइन यह होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी सिंपथेटिक रहता है,
तो यहाँ पर गुरु माउंट भी इनका काफ़ी अच्छा है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो बृहस्पति फिंगर है वो भी काफ़ी लेंथ लिए हुए हैं, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ रहेंगी लीडरशिप की, तो लीडरशिप में ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और इनकी लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हार्ट की लाइन है बिल्कुल सीधी चल रही है, थोड़ी शैलो हो रही है लेकिन काफ़ी सीधी और स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, ऊपर की तरफ मुड़ नहीं रही है। लेकिन स्टार्टिंग जो हो रही है इस लाइन की, वह हो रही है बृहस्पति और सैटर्न माउंट के बीच में से, यानी कि दोनों की मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज रहेंगे। मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी इनकी रहने वाली है और साथ साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी ये साबित होंगे, लेकिन इमोशंस की कमी यहाँ पर रहेगी। लाइन का झुकाव नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधी लाइन है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को यह दर्शाती है। लेकिन जो इमोशंस रहेंगे वो सिर्फ गर्डल ऑफ वीनस की वजह से रहेंगे, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव व्यक्ति हो जाता है, लेकिन हार्ट की लाइन की वजह से इमोशंस नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी उभर कर सामने आ रही है। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को, माइंड की लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। तो यहाँ पर देखते हैं माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट और आगे चलकर फोर्क की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति से लाइन चल रही है और यहाँ पर एक मेजर गैप मुझे दिखाई दे रहा है दोनों लाइनों के बीच में, काफ़ी बड़ा गैप है। तो बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो जाने की यहाँ पर यह प्रडिक्शन करता है कि व्यक्ति जिनकी लाइन जो माइंड की लाइन होती है लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी आ जाती हैं। तो बचपन से ही काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीधी लाइन है, शार्प माइंड रहेगा। एक फोर्क नीचे की तरफ चल रहा है जिसको हम राइटर्स फोर्क का नाम देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी इमेजिनेशंस इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रेट लाइन और सीधी लाइन होने की वजह से बहुत ही शार्प माइंड और स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा। आगे देखते हैं और इनकी लाइन से हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन जो लाइन ऑफ लाइफ है वह किस तरह से चल रही है, इसको चेक करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मंगल रेखा भी साथ साथ चल रही है काफ़ी लंबी होते हुए। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। लाइफ की लाइन बचपन में थोड़ी वीक दिखाई दे रही है और यहाँ से आते हुए बाहर की तरफ रुक कर रही है, और कुछ आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर, फिश टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है कि लाइफ की लाइन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऊपर की तरफ चलने वाले ऑफ शूट्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो से तीन ऑफ शूट्स हैं जो प्रोग्रेस के ऑफ शूट्स हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करता है लाइफ में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक तरह से प्रोग्रेस इनको लाइफ में मिलने वाली है। और जो लाइन साथ की साथ अंदर से चल रही है यह व्यक्ति को काफ़ी सपोर्ट देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सपोर्टिव लाइन है, जैसे किसी व्यक्ति की सपोर्ट इनको रहेगी और साथ साथ लाइफ लाइन को भी स्ट्रेंथ मिलती है इससे। काफ़ी लंबी लाइन चल रही है और यहाँ पर आकर एक बार सपोर्ट खत्म हो रही है मिडल एज में, लेकिन दोबारा से फिर से लाइन चल रही है तो सपोर्ट फिर से जारी रहेगी। तो यह लाइन प्रोटेक्टिव है, यानी व्यक्ति को प्रोटेक्शन देती है हर तरह की मुसीबतों से, और साथ ही साथ लाइफ लाइन की जो एनर्जी है उसको बढ़ा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिश टाइप सिंबल बन रहा है और यहाँ पर विदेश जाने के चांसेस यह शो कर रहा है, लेकिन बहुत बाहर की तरफ लाइन नहीं चल रही। तो यहाँ पर जो चांसेस रहेंगे विदेश जाने के, ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस, परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। और अगर ओवरऑल लाइफ को चेक किया जाए तो ओवरऑल इनकी लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल लाइफ इनकी लगभग 75 से 80 के आसपास की रहेगी। अगर इसको प्रॉपरली चेक किया जाए तो लगभग 75 से 80 इनकी एज हो सकती है। और अगर देखा जाए फेट लाइन को, बचपन से चल रही है फेट लाइन, काफ़ी नीचे से चल रही है और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो फेट लाइन है इनकी सैटर्न तक पहुँच रही है। तो पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, पैसा इनको थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ कुछ लाइंस आकर जुड़ रही हैं फेट लाइन में, यहाँ से एक लाइन आकर जुड़ रही है। तो जो ऐसी लाइन जो लव मैरिज के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देती है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति के लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं।
और साथ ही साथ इस लाइन की वजह से सपोर्ट भी मिलती है बाहरी वर्ल्ड से। जो मून का एरिया हमारा होता है इसको हम बाहरी वर्ल्ड कहते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स के भी को भी यही दर्शाता है। तो इसकी वजह से फॉरेन ट्रैवलिंग के भी चांसेस बढ़ते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट भी मिलती है और व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धन भी कमाता है बाहरी एक तरह से अपने जो लिंक्स होते हैं उनकी वजह से। और एक बार सारा हैंड दोबारा से चेक करते हैं, लगभग सारे जो चिन्ह थे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए, फिर भी एक बार चेक करते हैं कुछ अगर रह गया हो तो उसको देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पर लगभग सारे चिन्ह जितने भी थे इस हाथ में मुझे दिखाई दे रहे थे, मैंने उन सबको डिस्क्राइब किया, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह ऐसा रह गया हो जिसके बारे में मैं इस वीडियो में ना बता पाया हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया है तो यह मुझे इसी ईमेल पे जहाँ मैं इनको लिंक सेंड कर रहा हूँ रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो टाइमली मैनर में उनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।